हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WSBCC क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार LRC से लेटेस्ट अपडेट कह सकते हैं। यहां पर दो अपडेट देने वाला हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन त्रुटिपूर्ण जमाबंदियों में सुधार एक चुनौती माना जा रहा है, और साथ ही साथ जमीन की जमाबंदी की रफ्तार हुई तेज, अव्वल नंबर पर पटना आया है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेने से पहले, हमारे चैनल पर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। रही बात लेटेस्ट अपडेट की, तो मैंने देखिए ये लेटेस्ट अपडेट की मैंने आज ही डाला है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड CET BEd कल काउंसलिंग हुई थी, बट जो है बहुत सारे लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, जिसके कारण सीट रह गई है। तो क्या काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी, तो नामांकन उनका कैसे होगा, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं दे रखा हूँ, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद 7 नवंबर को होने वाली परीक्षा जो है STET परीक्षा स्थगित कर दी गई है, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद CBI नी रिक्रूटमेंट यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत वेरियस पोस्ट पर जो है वैकेंसी आई है, तो इसमें सारी डिटेल मैंने दे रखा है, तो आप लोग इसे भी जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद बिहार STET, जी हाँ फ्रेंड, कल मैंने बताया था इस वीडियो में कि एडमिट कार्ड नहीं जारी होने से उलझन में पड़ गए विद्यार्थी, और साथ ही साथ यहाँ पर उम्र सीमा को लेकर के मैंने इस वीडियो में बताया, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके बाद जो है CET BEd जो है 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है उसका मेरिट लिस्ट जो है सेकेंड जो है वेटिंग लिस्ट जारी हो चुका है, तो आप लोग यहां से वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं, उसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट हैं, और सभी का प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट पर भी जाएं, वहां पर जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको वहां पर दिया जाता है, आप लोग वहां से भी लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं, जिस चीज़ का भी चाहिए आपको। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है बिहार LRC से जो लेटेस्ट अपडेट मैंने 2 अपडेट लिया है उसके बारे में जानकारी दे लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रुक कर लेते हैं अपडेट के तरफ और देख लेते हैं सारी जानकारी को। तो फ्रेंड्स, यहां पर देख पा रहे होंगे ऑनलाइन त्रुटिपूर्ण जमाबंदियों में सुधार चुनौती, राजस्व विभाग आधी अधूरी जमाबंदी से रैयतों को हो रही है परेशानी, जमीन के दाखिल खारिज से लेकर निबंधन तक की में कठिनाई। यहाँ पर पूरी जानकारी अगर देख लिया जाए तो इसी से रिलेटेड है, और अधिकतर पंजियों में खाता खेसरा रकबा चौहद्दी के ब्यौरे दर्ज नहीं है, तो यहाँ पर सभी बातों को यहाँ पर बता दिया गया। जैसे मैं देख सकते हैं जमीन के दाखिल खारिज और लगान जमा करने की प्रक्रिया को भले ही ऑनलाइन कर दिया गया है, पर बड़ी संख्या में आधे अधूरे जमाबंदियों को त्रुटियों को अब भी दूर नहीं किया जा सका है। इससे पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन करने का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, कर्मियों की कमी व उनमें तकनीकी जानकारी का अभाव जमाबंदियों की त्रुटियों को तेजी से दुरुस्त करने में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा 150 से अधिक अंचलों में कामकाज की ढिलाई के कारण काम सुस्त है, इससे जमीन के दाखिल खारिज से लेकर निबंधन में कठिनाई है। 23 अक्टूबर तक राज्य में 1.13 करोड़ 27 हज़ार जमाबंदी ऐसे थे जिनका लगान ही मिसिंग करार दिया गया है। 84 लाख से अधिक जमाबंदी बिना खाता खेसरा नंबर वाले हैं। हालांकि डाटा माइग्रेशन के बाद 28.55 लाख जमाबंदी की त्रुटियों में सुधार किया गया है। पिछले एक माह में सीओ के स्तर से 4.82 लाख जमाबंदियों में सुधार किया गया है, और लगान वाले मिसिंग लगान वाले 5.92 लाख जमाबंदी दुरुस्त हुए। लगान रसीद मिलने से 2.44 करोड़ जमाबंदी भी हुई है, पर 1.25 करोड़ त्रुटिपूर्ण जमाबंदियों में सुधार बाकी है। अब यहाँ पर देखिए, अधिकतर पंजियों में खाता खेसरा रकबा चौहद्दी के ब्यौरे दर्ज नहीं, दरअसल रजिस्टर्ड 2 में दर्ज ब्यूरो में अधिकतर गड़बड़ियां मिल रही हैं। जमाबंदियों में दर्ज प्रविष्टियां आधी अधूरी, मसलन अधिकतर पंजियों में खाता खेसरा रकबा चौहद्दी और भू लगान से संबंधित ब्यौरे दर्ज नहीं है। इसके अलावा पुरानी पंजियों के क्षतिग्रस्त होने, पन्ने फट जाने, मृतकों के नाम दर्ज रहने, हल्का कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट नहीं देने से भी कठिनाइयाँ है। पंजियों को अपडेट करने की मियाद कई बार बढ़ाई गई पर अधिक सुधार नहीं हो पाया है। लगान की पूरी रसीद के ब्यौरे के आधार पर रजिस्टर 2 को अपडेट नहीं किया गया है।
तो ये ऑनलाइन त्रुटिपूर्ण भी जो है कह सकते हैं एक तरह से चुनौती देखने को लग रहा है। अब यहाँ पर जो दूसरा अपडेट अव्वल नंबर पर जो है पटना आया है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं जानकारी को, तो रुक करते हैं उसके तरफ। तो ये आज के दैनिक जागरण पेपर में ये अपडेट आई है, तो ये देख सकते हैं वो हिंदुस्तान पेपर में आई थी। यहाँ पर देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2019, यहाँ पर देख सकते हैं सरकार के सख्ती से जमीन की जमाबंदी की रफ्तार हुई तेज, अव्वल नंबर आया जो है पटना। सभी अंचलों को दिया गया लक्ष्य पूरा नहीं करने की हालत में कार्रवाई की चेतावनी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सख्ती के बाद जमीन की जमाबंदी में सुधार की रफ्तार थोड़ी तेज हुई है। सभी अंचलों को लक्ष्य दिया गया है और इसे पूरा न करने की हालत में कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। विभाग ने बुधवार को 11 से 23 अक्टूबर 2019 के बीच जमाबंदी में किए गए सुधार का आंकड़ा जारी किया है। यह 1,93,000 से अधिक है। सबसे अधिक 12,372 जमाबंदियों में सुधार पटना जिला में किया गया है। 11,686 जमाबंदियों में सुधार के साथ पूर्वी चंपारण दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर पटना आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं राज्य में जमाबंदियों की कुल संख्या जो है इतना दिया गया है, और इनमें से सिर्फ इतना जो है देख सकते हैं करोड़ में है। ये देख सकते हैं इतने करोड़ में जो है लगान का विवरण सही ढंग से दर्ज है, जबकि इतने करोड़ में लगान से संबंधित जानकारी अपूर्ण है। यही वजह है कि अब तक ऑनलाइन माध्यम से करीब 20 करोड़ रुपये का लगान भी विभाग को प्राप्त हो पाया है। ऑनलाइन लगान की राशि बढ़ाने के लिए जरूरी है कि सभी जमाबंदियों में लगान से संबंधित जानकारी भरकर उसे ऑनलाइन कर दिया जाए। यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह की चेतावनी का असर माना जा रहा है। डाटा माइग्रेशन के बाद पूरे राज्य में कुल इतना करोड़ जमाबंदियों में सुधार किया गया है। इसमें सबसे अधिक जमाबंदी में सुधार कटिहार में हुआ है। उसकी संख्या यहाँ पर देख लिया जाए दिया इतना दिया गया करोड़ में, जबकि पटना जिला के सभी अंचल अधिकारियों द्वारा कुल मिलाकर इतना करोड़ जमाबंदियों में सुधार किया गया। अब अफसरों कर्मियों के प्रशिक्षण के बारे में यहां पर दिया गया है। देख सकते हैं कि ऑनलाइन म्यूटेशन में खराब प्रदर्शन करने वाले अंचल अधिकारियों, अंचल निरीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और राजस्व कर्मी कर्मचारियों को मुख्यालय बुलाकर उन्हें फिर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें खराब प्रदर्शन करने वाले विभिन्न जिलों के 108 अंचल अधिकारी कर्मियों कर्मचारी शामिल है। अब तक कई अंचल अधिकारी एवं उनके कर्मी तकनीकी कारणों का हवाला देकर अपने यहाँ लंबित दाखिल खारिज के मामले का निपटारा नहीं कर रहे थे। परमंडलों की समीक्षा बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह को यह बताया गया कि अंचल के कर्मी तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है, इसलिए उनके द्वारा दाखिल खारिज का निपटारा समय पर नहीं किया जा रहा है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट था जो राजस्व विभाग से, और जैसा कि 7 नवंबर को हेयरिंग होने वाला है उसका रिजल्ट आने वाला है, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म जरूर करूंगा। तो उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।